दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय श्रृंगार पॉइंट जाहू। राज्य स्तरीय अंडर 19 लड़कियों की माइनर गेम्स खेल प्रतियोगिता के तीसरे दिन सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में लड़कियों के कबड्डी, खो खो व वॉलीबॉल के मैच आयोजित किए जा रहे हैं। शिमला की टीम ने खो खो, कबड्डी व वॉलीबॉल के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को खेले गए कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में शिमला व मंडी की टीम के बीच मैच खेला गया। इसमें शिमला की टीम 36-27 से मैच जीतने में सफल रही। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सिरमौर व सोलन टीम के बीच खेला गया, जिसमें सोलन की टीम 66-26 से विजयी रही। कबड्डी का फाइनल मुकाबला शिमला व सोलन टीम के बीच में खेला जाएगा। हर्षा राम कुल्लू छोटी सेकंड ऑपरेटर ऑल ऑफिशियल प्लीज टेक चार्ज ऑन कोर्ट नंबर 1 फॉरवर्ड फाइनल कॉल शिमला वर्सेस मंडी राजपाल नंदराज भाजाकर नौ शाखा नील चंद अवर अमरनाथ भानु प्रताप सिंह हर्षा राम अपने आप ही आ जाए न्यूज़पेपर में जा रहा बच्चों हैंड टच मार जी सर दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। अगर करनी है दिवाली और त्योहारों की शॉपिंग तो इस बार कहीं और नहीं बल्कि आइए श्रृंगार पॉइंट जाहू में, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा हर प्रकार का सामान, वो भी ऐसे दामों में जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। शॉपिंग के साथ लीजिए झोलों का आनंद और तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद, तो इस बार कहीं और नहीं दिवाली की शुभ शॉपिंग सिर्फ श्रृंगार पॉइंट जाहू से।